गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एसजीआई ऑनलाइन क्लास क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर लेसन 1 एक ही वरदान दो तुम। बच्चों, एक ही वरदान दो तुम नामक कविता हिंदी साहित्य में रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा रचित है। इस कविता के पहले के पद्यांशों का सासर वाचन करते हुए मैं आपको व्याख्या समझा चुकी हूँ। आज मैं इसी कविता के आगे के पद्य का शास्त्र वाचन करके कठिन शब्दों का निवारण करते हुए व्याख्या समझाऊंगी। साम ना हो छल कपट से, अनिष्ट मेरे भाग्य में हो, तो भी प्रभु मेरा हृदय दुर्बल कभी होने ना पाए। अटल रहकर शाम ना करता रहूं मैं, पाँव मेरे लक्ष्य से ना डगमगाए। इसमें कवि ने वर्णन किया है कि जो व्यक्ति है वह देश की जो सेवा करने वाले पुरुष है वह क्या वरदान मांग रहे हैं भगवान से कि हे प्रभु, मेरा किसी भी सामना हो छल कपट से, किसी भी प्रकार की बुराई से मेरा अगर सामना होता है, अनिष्ट मेरे भाग्य में हो और मेरे भाग्य में अगर बुराई लिखी है तो उसके बाद भी भाग्य में हो तो भी प्रभु मेरा हृदय, हे भगवान, तब भी मेरा जो हृदय है वह दुर्बल का अर्थ होता है कमजोर, तो मेरा हृदय कमजोर कभी भी ना हो पाए। अटल रहकर शाम ना करता रहूं मैं, पाँव मेरे लक्ष्य से ना डगमगाए। वह कहता है कि मैं जो भी मैंने निश्चय किया है उसमें मैं दृढ़ निश्चय होकर उसका सामना करता रहूं और मेरे जो लक्ष्य है, जो मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, उसको बिना पूरे किए मेरे पैर कभी भी ना डगमगाए। एक ही वरदान दो तुम प्रभु, हे भगवान, आप मुझे एक ऐसा ही वर प्रदान कीजिए। त्राहि माम पुकारूं, या द्वार तेरे खटखटाऊं, या कि अपना सिर झुकाऊं, यह नहीं मैं चाहता हूं। इसमें लेखक कह रहे हैं कि त्राहि माम का अर्थ होता है रक्षा करना, रक्षा करने के लिए पुकारने वाला सग, तो रक्षा करो, मैं ऐसे ना पुकारूं, या अगर मैं आपके दरवाजे पे जाकर के किसी समस्या से घिर कर मैं आपसे पुकार लगाऊं कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, या द्वार तेरा खटखटाऊं, या तेरे दरवाजे पर आकर मैं दस्तक दूं कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, या कि मैं अपना सिर झुकाऊं और प्रार्थना करते हुए मैं आपके चरणों में अपना शीश नवाऊं, यह नहीं मैं चाहता हूं। वह कह रहा है कि हे प्रभु, इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं मैं अपने साथ नहीं चाहता हूं। प्रार्थना है एक मेरी, शक्ति देना अथाह है, अथाह का अर्थ होता है बहुत ज्यादा, कि मुझे ऐसी शक्ति देना कि संकट सागरों को हंसते हंसते तैर जाऊं। हे प्रभु, मैं आपके सामने गुहार ना लगाऊं, बस मुझे एक ऐसी शक्ति, ऐसा अथाह वर प्रदान कीजिए जिससे मैं इन संकटों को हंसते हंसते पार कर जाऊं। एक ही वरदान दो तुम हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे आप एक ऐसा ही वर प्रदान कीजिए। प्रार्थना के बल यही है, मार सहता ही चलूं मैं, सुख में तुम्हें भूलूं नहीं मैं, उपहास जग के सह सकूं मैं। इन पंक्तियों का आशय है कि प्रार्थना केवल यही है, हे ईश्वर, मेरी आपसे सिर्फ एक आराधना है कि मान सहता मैं जो ये संसार में घटने वाले जो भी कार्य हैं या जो भी दुख तकलीफें हैं, मैं उन्हें कभी भी सहन करने से पीछे ना हटूं, तथा जब मेरे भाग्य में सुख प्राप्त हो तो उस समय मैं आपको कभी भी ना भूलूं, मैं उपहास जग के सह सकूं। और जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो जग उसका उपहास जरूर करता है, अर्थात इन पंक्ति का अर्थ है कि जब हम अच्छा कार्य करने के लिए निकलते हैं तो मार्ग में या कार्य करने के समय में ऐसे कई लोग होते हैं जो बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे आप अपने पद से भ्रष्ट हो जाएं। तो हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं संसार के जो उपहास रूपी वाक्य हैं या शब्द हैं उनको मैं सह सकूं। भार मेरा कम करो, ये शाम
तो ना के स्वर ना मांगू, एक ही वरदान दो तुम हे प्रभु। हे ईश्वर उनके उपहास को सहन करने की मुझे शक्ति दे, मैं उन्हें कम करने की आपसे प्रार्थना ना करूं। हे प्रभु मुझे आप एक ऐसा ही वरदान दीजिए जिससे मैं अपने कार्य को सरलता पूर्वक कर सकूं। थैंक यू स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आई एम विकी द्विवेदी एंड टुडे आई विल टीच यू ग्रामर टॉपिक चैप्टर 1 दैट इज रिवीजन। इन ग्रामर चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिवीजन एंड ऑफ दिस टॉपिक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट द क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन। स्टूडेंट्स डेफिनेटली यू हैव स्टडीड अबाउट प्रोनाउंस। प्रोनाउंस स्टूडेंट्स आर द नेम ऑफ वर्ड्स। प्रोनाउंस आर वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड इट्स रेपुटेशन। प्रोनाउन ऐसे शब्द हैं जो नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं उनकी रेपुटेशन से बचने के लिए। ओके, लाइक आई वी यू ही सी इट दे देम एसेट्रा। देयर आर सेवन कैटेगरीज ऑफ प्रोनाउन लाइक पर्सनल प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंफ्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सेवन कैटेगरीज ऑफ प्रोनाउन्स। टुडे एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू प्रोनाउन। यू हैव टू फिल सुटेबल प्रोनाउन। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेल एंड सीरियसली। फर्स्ट सेंटेंस, वेयर इज रिकी'स नोटबुक। रिकी की नोटबुक कहां है? ओके, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है लेफ्ट इट इन द क्लास। इसको कक्षा में छोड़ दिया था। किसने? विकी की नोटबुक कहाँ है? शायद विकी ने कक्षा में छोड़ दिया था इसे। तो ही अकॉर्डिंग टू विकी प्रोनाउन विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू विकी दैट मींस ही लेफ्ट इट इन द क्लास। ओके, अमन एंड प्रतीक आर लेट। अमन और प्रतीक लेट हैं। हियर अमन noun words, full stop है, dash will be punished। अमन और प्रतीक लेट है, उन्हें दंडित किया जाएगा। किसे? अमन एंड प्रतीक। तो अमन एंड प्रतीक that is plural pronoun। फॉर अमन एंड प्रतीक plural pronoun that will be hit। उन्हें मतलब they will be punished। ओके, समर में डैश डैश हेल्प डैश डैश इन योर स्टडीज क्वेश्चन मार्क। ओके, समर डैश डैश समर में डैश डैश हेल्प इन योर स्टडीज मतलब क्या है? समर क्या मैं आपकी मदद आपकी पढ़ाई में कर सकता हूं? मैं दैट मीन्स आई। ओके, समर में आई है यू इन योर स्टडीज। ओके, तो प्रोनाउन आने के लिए पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड अकॉर्डिंग टू मीनिंग एंड नाउन वर्ड्स यू हैव टू यूज प्रोनाउन। नाउ नेक्स्ट नंबर, माय फादर बॉट मी अ बैट। मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक बैट खरीदा। पुलिस का डैश इज वेरी नाइस। ये बहुत अच्छा है। क्या बहुत अच्छा है? बैट। एंड फॉर बैट इट इज लाइक लेस थिंग। फॉर लिविंग लेस थिंग्स वी यूज इट प्रोनाउन दैट मीन्स इट।
इट इज वेरी नाइस. ओके, फॉर लाइफलेस थिंग्स, फॉर एनिमल्स, फॉर यंग वंस वी यूज इट. नेक्स्ट, आई रीड अ फ्यू बुक्स, मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी. आई रीड अ फ्यू बुक्स, मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी. ऑल वर वेरी इंटरेस्टिंग, कौन ये सभी, तो ऑल ऑफ देम होगा, दैट मीन्स प्लूरल. ऑल ऑफ देम का मतलब ये सभी बुक्स. फॉर द बुक्स, हियर देम इज यूज अकॉर्डिंग टू बुक्स एंड देम इज ऑब्जेक्टिव केस. ओके, नेक्स्ट, नीता इज सैड, नीता दुखी है. ओके, दैट इज लॉस्ट हर फेवरेट पेन, क्यों दुखी है, उसने अपना फेवरेट पेन खो दिया है. नीता दैट इज क्रिमिनाइज हर, दैट इज पजेशन. तो फॉर हर इन सब्जेक्टिव केस वी विल यूज सी. सी लॉस्ट हर फेवरेट पेन, उसने अपना फेवरेट पेन खो दिया है. ओके, नाउ लास्ट सेंटेंस है, डैश प्रिपेयर्ड योर प्रोजेक्ट कल, इंटरोगेटिव सेंटेंस. क्वेश्चन दिया गया है, मतलब क्या है इसका, प्रिपेयर्ड तैयार किया है. दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. हैव योर, योर दैट इज पजेशन प्रोनाउन. And according to your here subjective case will be you. Have you prepared your project? Current kya humne apna project taiyar kar liya. Okay. So students, if you know well the pronouns, their meanings, their various categories, definitely you will be able to fill in the blanks suitable pronoun. So I will advise you to study the pronoun definition and various categories of pronoun. Students, today's class is over. You have to note down all this material in clear notebook in good handwriting. And from tomorrow, I will explain the next exercise, that is B. Till then, prepare this material. Okay, bye bye. Good morning students, I welcome you all to the online classes of SGOI. In the last class, we have discussed the basics regarding chapter number 1, that is number system. Okay. Today I will be starting with exercise 1A. In exercise 1A, question number 1 says, write the numeral of each of the following. ठीक है, आपको ये जो words में लिखा हुआ है इसको आपको numbers में लिखना है. It is saying 9 crore 19 lakh 5008. ठीक है, इसको लिखने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh, crore and 10 crore. ठीक है, here it is saying 9 crore, that means crore के नीचे आपको 9 लिखना है. Then it is saying 19 lakh, that means 10 lakh के नीचे 1 और lakh के नीचे 9. Then it is saying 5008, that means 1000 के नीचे 5 लिखना है और 10,000 कुछ नहीं है यहाँ पे तो 0 लिखेंगे. And then 100 place भी कुछ नहीं है, 10 place भी कुछ नहीं है और 1 place भी क्या है, 8. That means this will be your answer. ठीक है, this is the part number 5 of question number 1. Similarly, you can do all the other questions of question number 1. In question number 2, it is saying, write each of the following in words. Question number 1 में आपको numerals में लिखना है, question number 2 में आपको किसमें लिखना है, words में लिखना है. ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक number. ठीक है, तो आप देखो ये है ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakh and 10 lakh. That means ये कितना लिखा हुआ है, 87 lakh. 10,000 की प्लेस में कुछ नहीं है, 1,000 की प्लेस में है, इसका मतलब 87 lakh
8000, then 109. Okay. This is not difficult part, you can easily do all these questions. ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी सारे parts भी कर सकते हो of question number. Okay, now question number 3. Before going to question number 3 and further, we should understand a concept of place value and face value. ठीक है, तो place value क्या होता है and what is the face value? We can understand this with the help of example. For example, it is written 7982. Okay, एक number लिखा गया 7982 और आपको बोला गया कि 7 जो number है उसका आपको place value भी बताना है और आपको face value भी बताना है. ठीक है, तो फेस वैल्यू को मतलब होता है जो अपीयरेंस है, जो दिख रहा है क्लियरली आपको. सेवन का जो फेस वैल्यू होगा, फेस वैल्यू ऑफ सेवन विल बी सेवन ओनली. ओके, बट द प्लेस वैल्यू ऑफ सेवन विल बी सेवन मल्टीप्लाई बाय इसके बाद जितने डिजिट्स हैं, है ना, उतने नंबर ऑफ जीरोस. दैट मींस सेवन मल्टीप्लाई बाय 1000, दैट विल बी इक्वल टू 7000. So in this question, the place value of 7 is 7000 and the face value of 7 will be 7 itself. Okay? So by using this concept, you can easily solve question number 3, all the parts. Okay? Now moving to question number 4. It is saying find the difference between the place value and face. It is saying find the difference between the place values of the 2, 6 in the given number. एक number given है, that is 656348. That is 656348. And you have to find the difference between the place value and place values of the 2 6. है ना, 2 6 जो यहाँ पे है उनकी place values का difference आपको बताना है. इस वाले 6 का place value कितना हो जाएगा? 6000. And the place value of this 6 will be 6 lakhs. Okay. The place value of this 6 is 6000, the place value of this 6 will be equal to 6 lakhs and we have to find the difference. Difference means you have to subtract the less value with the higher value. That means 6 lakhs minus 6000, that will be equal to 5,94,000 and that will be your answer. Okay. Moving to question number 5. In question number 5, this is also same as question number 4. You can do it by yourself. Okay. Now moving to question number 6. In question number 6, certain kind of things are given and you have to write them into expanded form. Okay. Expanded form भी लिखना है आपको. Question number 6. You have to write the given numbers into expanded form. I am doing one for you. Question number 6, second part. It is written 13,25,694. ठीक है? इसको आप कैसे इतना expanded form में लिखना है? ठीक है? Expanded form क्या होता है? हर place को expand करके लिखना, ठीक है? तो पहले क्या है? 1, that is 1 multiply by किस प्लेस पे है? 10 लाख प्लेस पे है. दैट मींस 1 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख. ओके, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय कौन सी प्लेस पे? 3 1 लाख पे. ठीक है, देन प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय इट इज एट द प्लेस ऑफ 10000. देन प्लस 5 इट इज एट द प्लेस ऑफ 1000. ओके, देन प्लस 6 इट इज एट द प्लेस ऑफ 100. Plus 9 into 10 plus 4 into 1. That means आपको हर एक नंबर की उसकी प्लेस की वैल्यू से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ दिस थिंग. तो क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट्स आप ऐसे कर सकते हो. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना था? आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इसका रिवर्स लिखना है. मतलब कि एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है उसका कोरिस्पोंडिंग नंबर लिखना है आपको. ठीक है,
तो आई एम डूइंग वन फॉर यू, आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 7 फिफ्थ पार्ट. इन फिफ्थ पार्ट इट इज रिटन 9 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1. ठीक है, और इसको क्या करना है, इस एक्सपेंडेड फॉर्म को आपको नंबर्स में लिखना है. ठीक है, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे, यहां पे लिखा 9 इंटू 10 लाख, दैट मींस 90 लाख, है ना, 90 लाख कॉमा 90 लाख के बाद क्या आता है, यहाँ पे 10,000 की प्लेस आती है, लेकिन 10,000 की प्लेस में कुछ नहीं है ना, 1,000 है यहाँ पे. तो 10,000 की प्लेस पे आप लिखोगे 0, 1,000 की प्लेस पे आप लिखोगे 8, देन 100 प्लेस पे आप क्या लिखोगे 8, ओके 10 प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 लिखोगे और वहां पे 1 है. सो इट विल बी 90,08,801. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. और क्वेश्चन नंबर 7 तक दे हैव कंप्लीटेड. From question number 8 to 20, we'll be discussing in the next class. Thank you. Hello student, this is Meenakshi Trivedi. I'm your physics teacher. Student, in previous class, we were discussing states of matter. Now today, we will continue our chapter with molecular arrangement in states of matter. Student, as we all know that matter is divided into three parts, solid, liquid and gas. Now first one is solid. First is intermolecular force. Student, there is a strong intermolecular force of attraction between these molecules of a solid. And next, intermolecular space. The molecules in a solid are closely packed, due to which the intermolecular space is negligible, so solid cannot be compressed much. And third, position of molecules. The molecules vibrate on either side of their mean position, but they do not leave their position, so solid have a definite size. And fourth, surface. Students, solid having any number of free surfaces. Now, liquid. First is intermolecular force. The intermolecular force of attraction is not as strong as in solid. And second, intermolecular space. The intermolecular space is greater than the solid. The intermolecular space is greater than the solid. The intermolecular space is greater than the solid, due to which
they do not have a definite size. And third, position of molecules. Molecules are free to change their position within its boundary. And surfaces, they have only one free surfaces. Now, gases. First, intermolecular force. Student, the intermolecular force of attraction between these molecules is almost negligible. So, they are free to move in the entire space available to them. And next, intermolecular space. The intermolecular space is far more as compared to solid and liquid. And position of molecules. The molecules are free to move in all directions. And surface, they have no free surface. Now, differences between solid, liquid and gases. In solid, first it has definite shape and definite size. And in liquid, it has no definite shape but has a definite volume. And in gases, it has neither definite shape nor definite volume. And in solid, it cannot flow, but it can be heaped. And in liquid, it flows from higher to lower level. And in gases, it can flow in all directions. Now in solid, point number third. It has very strong intermolecular force. And in liquid, it has less intermolecular force as compared to the solid. And in gases, it has negligible intermolecular force. And in solid, point number four, it cannot be compressed. And in liquid, it can be very slightly compressed. And in gases, it can be easily compressed. And in solid, point number 5, it has any number of free surface. And in liquid, it has only one free surface. And in gases, it has no free surface. So student, today's class is over. Thank you. Class 6, ठीक है? इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री का डेवलपमेंट
Have a cheerful morning, students. This is your biology class for class 6. And my today's topic is types of leaves. Students, leaves are of two types. Leaves are of two types. First is simple leaf and second is compound leaf. So first of all we will discuss about the simple leaf. First is simple leaf. Students, in simple leaf there is a single lamina or leaf blade. Lamina is also called leaf blade. So in simple leaf there is a single lamina or leaf blade, means lamina is not divided into any parts. And the cuts may be present. In simple leaf, the cuts may be present but didn't reach up to the midrib. So, and auxiliary buds are also present in simple leaf. Like this type of leaf. This is the auxiliary bud. What is this? This is auxiliary bud and this is lamina. These are veins. These are veins and this is midrib. So this is the simple leaf in which there is a single lamina and the auxiliary buds are present. Auxiliary bud, this is the where the leaves are arise, there is a bud present called auxiliary bud. And the lamina is not divided into any parts. There's a, you can see here, there is a single lamina. And there may be cuts are present. In these types of leaves, in simple leaves, the cuts may be present like this. But these cuts do not reach up to the midrib. This is a midrib. And these cuts do not reach up to the midrib. This type of leaf is called simple leaf. And next is compound leaf. Second is compound leaf. Compound leaf. In compound leaf, the lamina is divided into many parts and these parts are called leaflets. In compound leaf the lamina is divided into many parts and these parts are called leaflets. The auxiliary buds are not present in the leaflets. For example, this type of leaf. So, there is not a single lamina. The lamina is divided into many parts. These are the parts. And these are called leaflets. And there is no auxiliary bud. You can see here there is no auxiliary bud. Means auxiliary buds are not present in
compound leaf. So this type of leaf is called compound leaf. For example, the example of simple leaf, you generally see the leaves of guava, mango, and the example of compound leaf is a neem, rose, etc. So in these leaves, in simple leaves, the guava and mango, they are single lamina. In compound leaf like neem and rose, there is the lamina is divided into several parts, many parts, called leaflets. So this is the types of leaves. Students, revise all the terms very carefully. Thank you, class. Have a nice day. A very good morning, students. Myself, Aarti Avre, geography teacher of Shivaji Group of Institution. In my previous lecture, I have explained you introduction of map and globe and importance of map in chapter 1 map reading for class 6. And now today I will continue the same chapter. And today I am going to teach types of maps. So student, map are two types on the basis of scale and on the basis of content. Firstly, I am going to describe on the basis of scale. On the basis of scale, map are of two types: large scale maps, small scale maps. Large scale map show small area in great details. तो बच्चों, large scale map क्या होते हैं? वो small area को great detail में बहुत ज़्यादा उसको show करते हैं. लार्ज स्केल मैप आर ऑफ टू टाइप्स. लार्ज स्केल मैप भी दो तरीके के होते हैं. कैडेस्ट्रल मैप्स, दे आर आल्सो नोन एज प्लांस एंड ड्रॉन ऑन अ लार्ज स्केल. तो इनको हम प्लांस भी बोलते हैं और ये लार्ज स्केल में ड्रॉन होते हैं. दे गिव फुल डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिल्डिंग्स. एंड नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ लार्ज स्केल मैप इज टोपोग्राफिकल मैप्स. Topographical maps are prepared after an accurate and careful survey of an area. They are usually drawn on large scale and show both features. These maps show both features: natural features like valleys, mountains, plateaus, deserts, rivers, and man-made features like canals, buildings, monuments, bridges. So these maps show both features, natural features and man-made features. The importance of topographical map. These maps serve as a guide for travel. These maps are very useful for military purposes. These maps gives information to city planners, city architects, geographers, geologists, tourists, guides, scouts. And for students, they are also useful to study the regional knowledge of the area. So, in India, these maps are prepared by survey department. So, these are the importance of the topographical map. And now, next type is small scale maps. Next type is small scale maps. Small scale maps show large area in less detail. स्मॉल स्केल मैप क्या करते हैं? लार्ज एरिया को लेस डिटेल, बहुत कम में शो करते हैं. ऑन द अदर हैंड, लार्ज स्केल मैप शो स्मॉल एरिया एंड ग्रेट डिटेल्स. सो स्मॉल स्केल मैप शो लार्ज एरिया एंड लेस डिटेल. स्मॉल
second atlas. So student, first wall maps. They are small scale maps and drawn on a large scale. They show large area of our earth at a glance. They depict various features like vegetation, mountains, communication. And these maps are useful for display purposes in classrooms and offices. तो ये मैप का कहाँ यूज किया जाता है बच्चों? डिस्प्ले पर्पसेस के लिए क्लासेस और ऑफिस में यूज किया जाता है. नाउ नेक्स्ट इज एटलस. यू नो वेरी वेल व्हाट इज एटलस. अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस. सो दे आल्सो ड्रॉन ऑन स्मॉलर स्केल एज कंपेयर टू द वॉल मैप्स. They are very convenient to carry in a form of book. इनको book में carry करना, book में form करना बहुत ही convenient होता है. And such maps are considered suitable for educational purposes. So, large scale map are of two types: cadastral map and topographical map. Large scale map show small area in great detail. Small scale maps show large area in less detail. And they are also of two types: wall maps and atlas map. And now students, I'm going to teach on the basis of contents. On the basis of content, how many types of map? On the basis of content. So student, on the basis of content, map are of three types. First, political map. Political map. Political map show boundaries of a country. Boundaries of a country. They also show international borders. They also show international borders, state, capitals, towns. And they are drawn on a small scale. इनको small scale पर drawn किया जाता है. Now next type is physical map. Physical map. This map show physical features of a region of the earth like mountains, valleys, rivers, plateaus, coastal areas and water bodies. They are also drawn on small scale. इनको भी small scale पर drawn किया जाता है. So these map shows physical features. Physical features of the earth like mountains, deserts, valleys, plateaus, water bodies, water bodies. So these maps show mountains, desert, valleys, plateaus and water bodies. Now third type is thematic map. Thematic map. What is thematic map? Thematic map show particular feature of an area. So thematic map, फिजिकल मैप क्या करता है बच्चों? फिजिकल मैप फिजिकल फीचर्स, अर्थ के फिजिकल फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है. ऑन द अदर हैंड थीमेटिक मैप शो ओनली पर्टिकुलर फीचर ऑफ द एरिया लाइक वेजिटेशन ऑफ एन एरिया. लाइक दिस मैप शो पर्टिकुलर फीचर ऑफ एन एरिया. तो ये मैप बच्चों क्या करता है? पर्टिकुलर फीचर को शो करता है.
like vegetation of an area, vegetation of an area, mineral distribution. So I hope you understand types of map, large scale map, small scale map. Large scale map are of two types, cadastral map and topographical map. Large scale map show small area in great detail. On the other hand, small scale map show large area in less detail. And small scale map are of two types, wall maps, atlas map. On the basis of content, map are of three types, vertical map, physical map, thematic map. Vertical map show boundaries, international borders, state and capitals of a country. Physical map show physical features of the earth like mountains, valleys, rivers, deserts, plateaus. And thematic map show only particular feature of an area like vegetation of an area, mineral distribution. Now that's all for today. I will continue this chapter in my next video. Thank you for attending the class. Language. Students, we discussed in previous class generation of the computer. You know there are five generations. We discussed in previous class first generation. Today I have to explain second generation. Okay, the time period of second generation is 1959 to 1963. Used technology, that means used component in computer, transistor is small in size as compared to vacuum tubes. Input output devices used in second generation, punch card and magnetic tape. Languages used, assembly language used in second generation, so we call assembly language as a second generation language. And characteristics of second generation computer is, in this generation computer are smaller as compared to first generation. Speed microsecond, in microsecond faster as compared to first generation. They were costly, used for specific purpose. Storage capacity is low. And the example of second generation computer is IBM 1401, RCA 50, Honeywell 2000, etc. Now third generation, time period is third generation is 1964 to 1971. Used technology IC, the full form of IC is integrated circuit. IC, input output devices, keyboard used as an input device, monitor used as an output device, floppy used as an input or output device to store data. Used language, COBOL as a high level language. In third generation, high level language developed. Okay, characteristics, main characteristics, smaller, faster and cost, smaller,
faster and less costly as compared to previous generation. Storage capacity increase as compared to previous generation. These generation used for journal purpose, and the example of third generation is IBM 360, Apple 1, ICL 1900, etc. Thank you. Have a nice day.